हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की जो है सीरीज में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं एलएलबी और बीएलएलबी दोनों को लेकर। लेकिन बीएलएलबी वाले जो है बच्चों को यह ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है आपका जो है। आप लोग यह जानते तो होंगे कि एलएलबी और बीएलएलबी में जो कॉन्स्टिट्यूशन ला और कॉन्स्टिट्यूशनल ला का जो पेपर होता है, इसमें लगभग का सेम ही सिलेबस होता है। ठीक है, 17 तारीख मीन्स कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पढ़ने के लिए। तो हम आपके लिए थोड़ा एग्ज़ाम को इजी करने के लिए एक जो है वीडियो जो है लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेज वाला लगे वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यह जो सिलेबस है, यह सिलेबस जो है बीएलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, और यह जो इसके नीचे सिलेबस है, यह जो है एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इसका जो पहली यूनिट है, क्या कहता है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये जो आपका पहली यूनिट है, यही सेम यूनिट आपकी पहली इसमें है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के बिल्कुल लगभग में सेम आता है। तो आप यह जो है पहली यूनिट या जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो अपलोड हैं, आपको जो है हम लिंक दे देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा। प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल आपका जो है यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर जब आता है तो उसमें प्रेम्बल भी पढ़ाया जाता है, आप वहाँ से वह वीडियो देख लीजिएगा। हम आपको सारे वीडियो की लिंक नीचे दे देंगे, आप देखिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह वाले हैं, हम सब आपको दे देंगे। ठीक है, अगला जो आपका है यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव वाला, तो यह भी जो है आपका वीडियो करवाया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो एलएलबी का वीडियो पढ़े हैं वहाँ से आप पढ़ेंगे। यूनियन पार्लियामेंट का आप देखिए, एलएलबी का जो है सेकंड यूनिट है यूनियन पार्लियामेंट, तो यह सेम टू सेम जो है फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेट करता है। ठीक है, अगला आपका जो है, तो यहाँ पर या जो है यूनिट टू भी जो है रिलेट कर लिया। तीसरा आपकी जो यूनिट है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, या राष्ट्रपति को बोला जाता है। राष्ट्रपति का जितना भी यहाँ पर पावर गवर्नेंस पोजिशन वगैरह दिया गया है, यह एलएलबी में भी दिया गया है। तो एलएलबी का यह जो है आपकी यूनिट 3 है यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो है यह भी आपकी यूनिट से मैच कर गई। ठीक है, अगला आपकी जो यूनिट है प्राइम मिनिस्टर द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर एंड हिज रियल हेड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यह यूनिट 4 आपकी बी एल एल बी की है, और यह एल एल बी जो में है वह यूनिट 3 है यूनिट 4 है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, यहाँ पर एंड द कैबिनेट है, वहाँ पर द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाला आप पढ़ लीजिएगा वीडियो से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिलिंग मिनिस्टर ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यह आपको जो सिलेबस बच रहा है ये हम आपको अभी अलग से वीडियो दे देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा, आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। ठीक है, अगला आपका जो है जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट रिमूवल ट्रांसफर एंड कंडीशन ऑफ द, यह जो है आपका यूनिट 5 जो है या एलएलबी में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, तो यह भी जो है यूनिट जो है आपके एलएलबी में पूछी जाती है, यूनिट 5 यूनिट 6 जो है आपके एलएलबी में पूछी जाएगी। तो ये जो यूनिट है हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यह यूनिट आपको एलएलबी में ये देखो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, तो यह सेम यूनिट जो है एलएलबी से मैच कर रही है। अगला आपकी जो है यूनिट ब्रीफ स्टडीज ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन VIZ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यह यूनिट आपकी जो है इससे मैच नहीं कर रही है, तो हम आपको जो है
ये जो है जो 2 यूनिट आपकी बची हैं इसके हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। और आपकी जो ये 85% आपका सिलेबस, 80% सिलेबस जो ये आपका मैच कर रहा है, इसका वीडियो हम जो है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से यह वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो हम आज का वीडियो में इतने ही, आप जो है वीडियो देखिएगा और कल आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ से आपके क्वेश्चन बने या नहीं बने, ठीक है। हमको उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।